हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन अनदर स्टोरी राइटिंग वीडियो। और आज की हमारी जो स्टोरी है दैट इज़ शेर का आसन, जिसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखेंगे। सो लेट्स रीड दिस स्टोरी और इसको अपनी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। ऑल राइट, शेर जंगल का राजा होता है। तो ये स्टोरी जो है वो प्रेजेंट में है, शेर जंगल का राजा होता है। तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट और ये हुई हमारी वर्ब, होता है मतलब सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हमारे सामने यहाँ पर दिया हुआ है। तो लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, वह अपने जंगल में सबको डरा कर रहता है, मतलब वो जंगल में सबको डरा कर रखता है। ही टेररिज terrorizes everyone in the jungle. शेर भयंकर और बलशाली होता है। Lion is भयंकर मतलब furious बोलते हैं, furious and powerful. फ्यूरियस भी होता है और पावरफुल भी होता है। एक दिन शहर का राजा जंगल घूमने गया। वन डे सब्जेक्ट हो गया, शहर का राजा घूमने जाना हो गया वर्ब। वन डे द किंग ऑफ सिटी गया, तो वेंट टू काय के लिए, घूमने के लिए, विजिट द फॉरेस्ट, जंगल को हम बोलते हैं फॉरेस्ट। शेर ने देखा राजा हाथी पर आसन लगाकर बैठा है। लायन सा कौन को देखा, द किंग, द किंग कैसे देखा, सिटिंग ऑन थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन, थ्रोन कौन के ऊपर, एलिफेंट के ऊपर, ऑन एलिफेंट। शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का उपाय सूझा, तो शेर ने भी सोचा क्यों ना मैं भी हाथी पर आसन लगाकर बैठूं जैसे राजा बैठा हुआ है। तो शेर हो गया सब्जेक्ट, उसे उपाय आया, तो इसको हम लिखेंगे लायन thought to sit, बैठने का उपाय कहाँ पर, on the throne on elephant। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बताया। अब शेर ने बताया, बताने को हम बोलते हैं टेल, ये हो गया वर्ब। लायन टोल्ड ऑर्डर दिया मतलब आदेश दिया, एंड ऑर्डर्ड कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए, ऑर्डर टू प्लेस लगाना क्या, अ थ्रोन कौन पर, ऑन एन एलिफेंट। बस फिर क्या था, झट से आसन लग गया, इमीडिएटली जानवरों ने ऐसा किया, एनिमल्स डिड दिस जानवरों ने उसके आदेश का पालन किया। शेर उछलकर हाथी पर लगे आसन पर जा बैठा। लायन उसने जंप किया, जंप्ड एंड सेट
ऑन द थ्रोन, ऑन एलिफेंट, हाथी जैसे ही आगे की ओर चलता है, जैसे ही उसको हम बोलते हैं एज सुन एज एलिफेंट वॉक्ड आगे अहेड, आसन हिल जाता है, थ्रोन शेक्स हिल जाता है और शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है, एंड लाइन फॉल्स डाउन, शेर की टांग टूट गई, शेर खड़ा होकर कहने लगा, शेर की टांग टूट गई। एज अ रिजल्ट, या फिर सिंपल हम ऐसे लिख देते हैं, शेर की टांग टूट गई, लायन ब्रोक हिज लेग, शेर खड़ा होकर कहने लगा, लायन गॉट अप एंड सेड, क्या कहने लगा, पैदल चलना ही ठीक रहता है, इट इज बेटर टू वॉक, या फिर इट इज गुड टू वॉक। इट इज गुड टू वॉक। शिक्षा क्या है इस स्टोरी से, जिसका काम उसी को साजे। वह शेर ने आदमी की नकल करनी चाही और परिणाम अच्छा नहीं आया, गलत साबित हुआ। इसको हम लिखेंगे एवरी मैन टू हिज ट्रेड, मतलब जिसका काम उसी को साजे। शेर ने आदमी की नकल करनी चाही, लायन ट्राइड टू कॉपी द मैन, और परिणाम गलत साबित हुआ, एंड गॉट द बैड रिजल्ट। या फिर अनफेवरेबल रिजल्ट, ये भी हम बोल सकते हैं। सो दिस इज़ दी कम्प्लीट ट्रांसलेशन ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। होप दैट इससे आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा कि कैसे हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है सेंटेंसेस को, पूरे पैराग्राफ को, इवन स्टोरी को। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा, इससे आपकी हेल्प हुई है, तो लाइक करो इस वीडियो को, शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ में, उनकी भी हेल्प हो सके ऐसे ही इंग्लिश ट्रांसलेशन के वीडियो से इंग्लिश को सीखने में। और इस चैनल को ऐसे ही आगे और स्टोरी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक्स फॉर स्टेइंग विद मी एंड जॉइनिंग मी वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू लेटर ब्रिंगिंग अनदर स्टोरी लाइक दिस। टिल देन वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।